हाय भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? अरे मेरे भाई, आपको कैसे समझाऊं, ये कोरोना वायरस कैसी बीमारी है और उसके बावजूद आप लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हो यार, ये ठीक नहीं है मेरे भाई। ये आपको ले डूबेगा, आपको जमीर भाई के एरिया में और उनके वार्ड के अंदर आप लोग जो ये इस तरह की जो गंद फैला रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग से? तुम लोग जो एक गंद फैला रहे हो, ये उनको जवाब देना पड़ेगा भाई। क्यों नहीं समझते आप लोग? ये इसको बीमारी को बीमारी समझ के लो तुम लोग, अपनी मनमानी मत करो। समझ में आएगा नहीं? ये लोग अगर आके आपको क्वारंटाइन करते हैं तो ये आपके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। जरा बात को समझो, आप लोगों की छोटी सी नादानी की वजह से जमीर भाई को कितने लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। अरे तुम लोग के समझ में आता है क्या? नहीं आता है यार। जमीर भाई अच्छा आदमी है यार, ऐसे लीडर मिलते नहीं है। और आप जो हरकत कर रहे हो यार, उनकी बदनामी होगी इसमें, उनको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि उनके कहीं से बदनामी नहीं हो सकती, लेकिन लोग उंगली उन पर उठाएंगे। उन पर उंगली इसलिए उठाएंगे कि ये उनके वार्ड में हो रहा है। आप मेरी बात को समझो यार थोड़ा सा, प्लीज भाई लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, समझ लो थोड़ी सी बात को। अपन क्या समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को? हम लोग बैठे बॉम्बे में और हम लोग जमीर भाई को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि अपन ने उनको पर्सनली देखा है कभी, अभी तो नहीं, बहुत पहले की बात है। वो अच्छे आदमी है यार, एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लीडर मिलेगा नहीं। याद रखना तुम लोग इस बात को, आप लोग की नादानी उनके लिए जवाब देने का सबब बन सकती है। ये कोरोना वायरस एक बीमारी आई, चले जाएगी यार, ये कुछ के रुकने वाली नहीं है। आप लोग तोड़ फोड़ करने से क्या हासिल कर लोगे? क्या इससे क्या आप लोग बताना चाह रहे हो यार? थोड़ा सा समझो बात की सिचुएशन को समझो। वो आपको क्वारंटाइन करेंगे, आपका इलाज करेंगे, वापस आपको लाके छोड़ देंगे। भाई लोग प्लीज, हर कोई चाहता है उनको, जमीर भाई को हर कोई उनसे मोहब्बत करता है, और अपन लोग भी बॉम्बे में बैठे, अपन लोग भी उनको चाहते हैं यार। उनके अच्छे कारनामे सुने अपन ने, उनके अच्छे नेचर को हम लोग ने सुना है लोगों से, और करते हुए देखा भी है यार। आपको बोलना, आप लोग को समझाना कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझो प्लीज, इसमें देश का भला है यार, इसमें पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए भला है। और खासकर बेंगलोर में आप लोग बैठे हो यार, थोड़ा तो समझ करो। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग को भी मालूम है, हम लोग भी घर में बैठे हुए क्या करने के लिए। प्लीज भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा समझो, वक्त की नज़ाकत को समझो, और अपने घर में आराम से रहो, अपनी फैमिली को बचाओ। नीचे चाय पानी बीड़ी बहाने से मत जाया करो यार, कुछ इसमें अच्छा नहीं होगा। आप अगर बाहर से लेकर आके घर में डाल दोगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा यार? थैंक यू यार, अगर ठीक लगेगा तो अपने भाई लोग को पहुंचा देना इस वीडियो को। क्या आप चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से रहे यार, इस बीमारी को चले जाए? बस थोड़ा सा टाइम अपने को तकलीफ से गुजारना पड़ेगा, लेकिन बाद में आराम मिल जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।